नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द होप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड में जो 500 पदों पर भर्ती आने वाली है उसके बारे में। और उसके अलावा कुछ लोग पूछ रहे थे कि वीडियो वीपीडीओ और कनिष्ठ सहायक का एग्जाम कब तक होगा। तो दोस्तों, ये मान के चलिए कि सितंबर माह के अंत में ये एग्जाम होने की पूरी संभावना है। बाकी दोस्तों, आयोग अगस्त में एक कैलेंडर जारी करने वाला है, तो उसमें पूरी संभावना है कि एग्ज़ाम कब कब होगा। बाकी दोस्तों, बात करें पटवारी के एग्ज़ाम की, तो उसका एग्ज़ाम भी नवंबर के अंत तक होने की पूरी संभावना है। और बाकी दोस्तों, एलटी का एग्ज़ाम 8 अगस्त को है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं उत्तराखंड में जो 500 पदों पर नई भर्ती आने वाली है उसके बारे में। और उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे भर्ती से संबंधित ऐसी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड में 500 डॉक्टरों की भर्ती जल्द होगी, तो मेडिकल डिपार्टमेंट में ये भर्ती होने वाली है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार जल्द ही प्रदेश में 500 डॉक्टरों की भर्ती करेगी। वे प्रदेश के सभी जिला सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण कर सामने आने वाली दिक्कतों को दूर करने का प्रयास करेंगे। बुधवार को जिला अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद हिंदुस्तान से बातचीत में मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए किसी भी स्तर पर बजट की कमी नहीं आने दी जाएगी। तो 500 डॉक्टरों की भर्ती यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।